हेलो बच्चों, हम पिछले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किए थे लेट एंड हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेट एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। साथ साथ ये भी बताए थे कि क्यों नदी नाले सूख जाते हैं गर्मियों के दिनों में। तो इसका हम कॉन्सेप्ट बताए थे कि क्या डिफरेंस होता है इवापोरेशन और वेपराइजेशन में। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर, और उसका जो 11th क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें हर वीडियो टॉपिक वाइज है, तो आप उस वीडियो को जाके देखें ताकि आपको समझ में आएगा। और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी किए हैं, तो यूट्यूब पे पार्ट वन, प्रॉब्लम का पार्ट वन उस पे पड़ा हुआ है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट टू के बारे में। तो पिछले वीडियो में आपसे हम क्या डिस्कस किए थे कि आपको मान लो कि आइस दिया हुआ है और उसको वाटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो मान लो कि आइस का टेम्परेचर माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमें 100 डिग्री का वाटर बनाना है, तो कितना हीट हमें देना पड़ेगा ना, कितना हीट देना पड़ेगा। तो अब उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम सीख चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं कि क्वेश्चन ही है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आप इसको क्या है फॉर्मूला से हटके, फॉर्मूला रटना नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि आखिरकार कैसे बनता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वह क्या है, मान लो कि 100 डिग्री हमारा क्या है, मतलब 100 डिग्री पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या आइस वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कोई 200 ग्राम सपोज ऐसा मान रहे हैं, और माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे 200 ग्राम ही आइस रखा हुआ है। तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फाइनल मिक्सचर क्या होगा, इस पर हम क्वेश्चन है। तो ऐसा है बच्चों, एक बात और ध्यान से सुनो कि ऐसा आप अनुमान नहीं लगा सकते हो कि फाइनल मिक्सचर हमारा क्या होगा, केवल आइस ही होगा, केवल वाटर ही होगा, ये कहना मुश्किल है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो इसको आपको सीखना है। थोड़ा सा और बात है कि पिछले वीडियो में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है वाटर का, आइस का क्या होता है, वेपर का क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है वाटर का, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इन सारे टर्म को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, यहाँ से रिकैप देख लेना बच्चों। यहाँ पे देखना कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का होता है वो कितना होता है बोलो तो, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का 80 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है। और क्या होगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का और वेपर का 0.5 कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इन सारे टर्म को आपको ध्यान रखना, जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो इसका यूज आता है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखना बच्चों आपका कि 100 ग्राम हमारा क्या है, आइस है, आइस और एट माइनस का 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको मिक्स कर रहे हैं। 100 ग्राम वाटर है बच्चों, वाटर एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम पूछ रहे हैं फाइंड द फाइनल मिक्सचर्स ऑफ फाइनल मिक्सचर ना, चल पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, तो पहला टारगेट होना चाहिए आपको कि दोनों को एक बेस लेवल मानो, दोनों ऑब्जेक्ट जो भी आइस और वाटर है उसका एक बेस लेवल टेम्परेचर का मान के और उसको सॉल्व करो। ऐसा सोचो, मान लो कि हम 0 डिग्री बेस लेवल मान लेते हैं, क्या मानते हैं बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आइस को हमें माइनस 30 से 0 डिग्री का वाटर बना ले, और इसको क्या है या माइनस मतलब 30 डिग्री का जो वाटर है इसको भी 0 डिग्री का वाटर बना ले, दोनों सेम फेज में आ जाएगा, दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाएगा, तब जाके आगे सोचो क्या होता है। तो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, पहला तो टारगेट है हमारा कि इसको 0 डिग्री का वाटर बना लेते हैं, 0 डिग्री का वाटर बना लेते हैं। तो 0 डिग्री का पहले क्या बनाना पड़ेगा, आइस बनाना पड़ेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हमें क्या करना पड़ेगा, आइस
बनाना पड़ेगा। तो कितना इसमें हीट कितना देना पड़ेगा, 100 ग्राम इनटू का आई से तो 0.5 इनटू का क्या लिखोगे, टेम्परेचर डिफरेंस कितना 30। चलिए इसको जब सॉल्व करोगे ना बच्चों तो 1. मतलब 1500 कैलोरी आएगा और इसको सॉल्व करके 1.5 किलो कैलोरी लिख सकते हैं। अब क्या है, आइस जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस बनाए हो, अब क्या करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हम वाटर बना लेते हैं, कोई परेशानी क्या, वाटर आइस से वाटर आ रहा है, अब क्या करोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसका यूज करोगे तो क्या होगा 100 इंटू का 80 तो क्या लिखोगे 8000 कैलोरी, किलो कैलोरी में बदलोगे तो किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या। चलो इतना हो जाने के बाद अब ध्यान से देख, यह 0 डिग्री का वाटर बन गया, इसमें टोटल हीट कितना देना पड़ा, सोचो तो कितना देना पड़ा है, टोटल हीट रिक्वायर्ड 1.5 प्लस का 8 मतलब 9.5 किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या। चलिए यहां भी क्या करते हैं, इसको भी हम 0 डिग्री का वाटर बना लेते हैं, 0 सेंटीग्रेड का वाटर बनाओ, क्या लिखोगे बोलो तो, यहाँ पे हम 100 ग्राम हमारा क्या है वाटर का है और 0 वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 होता है, 1 टेम्परेचर डिफरेंस कितना 30 मतलब कितना हुआ 3000 कैलोरी, तो क्या लिखोगे 3 किलो कैलोरी, कोई परेशानी क्या। चलो यहां भी याद करो, देखो यहां क्या है 9.5 हमें हीट देना पड़ा है कि लेना पड़ा है, सोच के बताओ तो, देना पड़ा है तभी तो आइस हमारा 0 डिग्री का वाटर बना है, यहाँ 3 किलो कैलोरी क्या है लिए है। तो एक बात बताओ हमारे पास एकदम फाइनल, आपको यह बात याद है शुरू में हम बताए थे जब हीट चैप्टर स्टार्ट किया गया था तो एक 2-3 लेक्चर के बाद आपको अभी प्रॉब्लम बताया गया है कि टोटल सम ऑफ हीट एक्सचेंज कितना होता है, 0 होता है, मतलब टोटल हीट एक्सचेंज कितना 0। तो एक बात बताओ कि यहाँ 9.5 हम क्या किए हैं दिए हैं, यहाँ 3 किलो कैलोरी लिए हैं, ओवरऑल हमारा खर्च कितना बच रहा है 6.5, यहाँ टोटल जो है मतलब रिमेनिंग क्या लिख रहे हैं रिमेनिंग हीट कितना लिखोगे 9.5 देना पड़ा 3 हमें लिए तो 6.5 किलो कैलोरी ना, हमें क्या करना पड़ेगा और लेना पड़ेगा, मतलब क्या है इतना दिए, ध्यान से सुन एकदम जनरल लाइफ से जोड़ो, हम मान लो कि 9.5 किसी को कर्ज दिए उससे 3 हम और ले लिए ना, 3 हम किसी को दिए उससे 3 हम ले लिए और हमें क्या देना, मतलब कितना उससे कितना लेना पड़ेगा बताओ तो, लेना कितना पड़ेगा 6.5, दिए कितना है 9.5, लिया भी कितना है मात्र 3, लेना कितना और पड़ेगा 6.5, तो यह 6.5 क्या है लेना पड़ेगा। चलिए टोटल वाटर कितना है, अब टोटल वाटर वाटर इक्वल टू 100 प्लस 100 ग्राम मतलब क्या है 200 ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा 200 ग्राम वाटर। चलिए अब एक बात बताओ कि 200 ग्राम हमारा कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ध्यान से सुनना बात मेरी, अब हमें 6.5 लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा वाटर है, तो जब वाटर से आप एनर्जी को ले रहे हो तो क्या है वाटर अब स्टीम बनेगा कि बर्फ बनेगा, सोच के बोलना, स्टीम मतलब वाटर से आप एनर्जी ले रहे हो तो ले रहे हो इसका मतलब वाटर कन्वर्ट टू आइस, वाटर क्या होगा आइस में कन्वर्ट होगा। तो ध्यान से देखना 200 ग्राम हमारा क्या है 0 डिग्री पे, तो कितना हमें देना लेना कितना है 6.5 किलो कैलोरी इक्वल टू मास, और क्या है अब कन्वर्ट हो रहा है ना किस में आइस में, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, तो कितना 80 मतलब m इक्वल टू कितना लिखोगे बोलो तो, यहां से ऐसा लिख सकते हो बच्चों 6500 इक्वल टू m इनटू 80, तो दिस से दिस गया मतलब मास इक्वल टू क्या है 64 650 अपॉन 8 ना,
इतना। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से दो से कैंसिल करो तो फोर और ये थ्री टू फाइव, मतलब कितना, थ्री टू फाइव अपॉन फोर, मतलब क्या, डिवाइड करो 832 और चलो और कितना बचाओ 1 point, यहां 1 बचा 2 ना, फिर 2 ग्राम, इतना इतना हुआ हमारा। एक क्या हुआ, इतना हमारा आइस बन गया है, वाटर क्या है, आइस में कन्वर्ट हो गया है। तो ओवरऑल सोचो बच्चों, ये सब आप लिख लेना है ना, तो क्या हुआ, यदि आइस में कन्वर्ट हो गया तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मिटा रहे हैं ना, इस पोर्शन को मिटा रहे हैं, ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो देखो अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुन, इतना तो हमारा क्या बन गया 81.22 ग्राम ना आइस बना, मतलब क्या है 200 ग्राम में से इतना हमारा क्या है आइस बन गया। तो मतलब क्या है, सिस्टम जो बनेगा बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा, वाटर प्लस आइस का सिस्टम बनेगा। कितना पे, सिस्टम जो है हमारा सिस्टम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा क्या है सिस्टम रहेगा, वाटर कितना बचेगा 200 ग्राम माइनस का 81.22 और यह कितना है आइस, कितना 22 ग्राम, इसको माइनस करके देखो, जो भी माइनस करके आएगा वो, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन बनेगा। मतलब क्या कि इतना जो फाइनल हमारा सिस्टम बनेगा वो वाटर और आइस का बनेगा, टोटल हमारा क्या है आइस नहीं होगा या स्ट्रीम नहीं बन जाएगा। तो सिस्टम क्या बना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर और आइस बनेगा, और आइस कितना रहेगा उसमें 81.22 और यह कितना 200 ग्राम में से 81.22 माइनस कर लो, जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, हमारा वाटर होगा। तो इस तरह से यह क्वेश्चंस बनता है ना। अभी क्या है, इसमें दो है, अभी तो दो ही है, अगले क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम तीन मिक्स कर देंगे और तब मतलब तीन रहेगा, वो आइस भी रहेगा, वाटर भी रहेगा और स्ट्रीम भी रहेगा। तो अब तक तो आपको बोर्ड लेवल तक क्या है, दो ही पूछेगा, यदि मान लो तीन रहा तो सारा फॉर्मूला हमारा गलत हो जाता है। यदि जो भी बुक में आप फॉर्मूला देखोगे तो इस दो कंडीशन के लिए तो बहुत ही मजेदार से काम कर जाता है, जैसे ही तीन रहे, तीन डिफरेंट डिफरेंट फेज, तो क्या है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तब हमारा क्या काम करता है, नॉलेज जो हम सीखे हैं, बेसिक मेथड। तो बच्चों हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम का पार्ट नंबर 3, दैट्स इट।